टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। द्वितीय पश्चिम चंपारण 24 अप्रैल स्थानीय शहर की जंगी मस्जिद के प्रांगण में सभी मस्जिदों के इमाम ने मुस्लिम समुदाय ने लोगों से कही अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर नमाज तरावी कुरान की तिलावत करने व अन्य इबादत करने की अपील की। इस अवसर पर बेतिया सदर SDM विद्यानाथ पासवान, सदर DSP नगर थाना प्रभारी के अलावा पुलिस बल की उपस्थिति सराहनीय रही। बेतिया सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी लोगों से अपील की कि आप लोग इस पवित्र रमजान महीने में शांति बनाए रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अपने अपने इबादत को करें। साथ ही सभी मुस्लिम भाइयों से ये भी अपील करें कि सभी लोग अपने अपने घरों से ही इस पवित्र रमजान की पवित्रता को ध्यान रखते हुए इबादत करें और लोगों को भी समझाएं कि लोग इस पवित्र महीने में शांति बनाए रखें और प्रशासन को भी अपना सहयोग दें ताकि प्रशासन भी आपके साथ रहकर आपके हर कदम में साथ देने का संकल्प ले। इमारत शारिया के जरिए दिए गए नोटिस का हवाला देते हुए मस्जिदों के इमाम ने बताया कि रमजान को गुजारने के लिए सभी तरह का नियम और कानून मुस्लिम समाज के लोगों के पास आ गई है। वह सभी मुस्लिम संप्रदाय के लोग इस रमजान के पवित्र महीने में अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इबादत करेंगे। कि आप इस चीज़ को पालन करें और पालन कराएं जी, और अपने जितने मातहत हैं लोग है ना, उनको सभी लोगों को मस्जिद से अनाउंसमेंट करवा दें कि ऐलान करा दें कि भाई ऐसा ऐसा मेरा जो सरकार का भी ये है और हम लोग भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो लोग सभी लोग समझदार हैं, समझ भी रहे हैं और अभी तक सहयोग मिलता रहा है। रमजान में भी हम लोग को सहयोग आगे भी मिलेगा और इसलिए हम शुभकामना के साथ हम इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं। सबको हिदायत जारी भी कर दिया। हाँ, बिल्कुल 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 ऐलान भी बहुत